दोस्तों एक चीज तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि BSNL 4G जो है वो अभी बहुत जल्दी जल्दी लॉन्च हो रहा है। दोस्तों अभी से एक महीने पहले BSNL 4G का जितना भी टावर था वो अभी डबल हो चुका है। यस दोस्तों, डबल से भी ज्यादा हो चुका है। आज से एक महीने पहले BSNL 4G टावर का जो संख्या था वो पूरे पैन इंडिया का था 10,000, लेकिन उसके 2 हफ्ते के अंदर हो गया है वो 15,000। और अभी दोस्तों एक दिन पहले ही मैंने आपको बताया है कि अभी टोटल पूरे पैन इंडिया पे 25,000 से भी ज़्यादा BSNL टावर लग गया है। दोस्तों जब से ये न्यू टेलीकॉम मिनिस्टर आया है ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उन्होंने दोस्तों BSNL 4G के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला है, BSNL एम्प्लॉयज के ऊपर दबाव डाला है। और अभी वो एक काम बहुत अच्छा कर रहा है कि डेली का रिपोर्ट ले रहे हैं। पूरे इंडिया पे जितने भी BSNL ऑफिस है वहां से रिपोर्ट आ रहा है डेली का डेली कि एक दिन के अंदर उस ऑफिस के अंदर क्या काम हुआ है, इसका जो रिपोर्ट है वो डेली रिपोर्ट सेंड किया जा रहा है और ये सब कुछ वो देख रहे हैं। तो ये काम जो है बहुत बढ़िया हुआ है। इसीलिए दोस्तों एक महीने के अंदर 10,000 से टावर का संख्या 25,000 हो चुका है। दोस्तों अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट है कि ये जो BSNL का 25,000 टावर है, ये मतलब ये तो संख्या में बहुत ही कम है। अगर मैं जियो एयरटेल के बारे में बात करूं तो जियो का तो 5 लाख से भी ज्यादा टावर पूरे पैन इंडिया पे तो है। इसीलिए जियो से अगर BSNL को कंपेयर किया जाए तो BSNL तो बहुत पीछे है। लेकिन 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 मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि BSNL का जितने भी 4G टावर इंस्टॉल हो रहा है वहां पर 700 MHz का बैंड यूज किया जा रहा है। 700 MHz बैंड पे दोस्तों जहां पर तीन से चार टावर काम करेगा, BSNL का एक टावर वो काम कर जाएगा, वो बहुत ज्यादा रेंज कवर करता है। इसीलिए दोस्तों 25,000 टावर हाँ कम ही है, लेकिन फिर भी 25,000 टावर जियो या एयरटेल का 1 लाख टावर के बराबर है। इसीलिए दोस्तों अभी ये काम बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है और इसको लेकर ही बहुत ज्यादा लोग खुश है। दोस्तों BSNL का 4G धीरे धीरे बहुत सारी जगह के अंदर लॉन्च हो रहा है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको और एक एरिया के बारे में बताऊंगा जहां पर एक साथ 1500 4G टावर लॉन्च कर दिया गया है और एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में BSNL 4G का टावर सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ये तीन राज्य में सबसे ज्यादा BSNL का टावर है। लेकिन सबसे ज्यादा काम अगर कहीं पर हुआ है 4G के ऊपर BSNL का तो वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश वेस्ट में भी काम हुआ है, ईस्ट में भी काम हुआ है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के ईस्ट में बताया जा रहा है कि एक साथ 1500 BSNL 4G टावर इंस्टॉल कर दिया गया है और लगभग पूरे यूपी का ईस्ट जो है वो BSNL 4G से कवर हो चुका है लगभग। ठीक है, एकदम से पूरा 100% नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट 80% जो है पूरे यूपी ईस्ट कवर हो चुका है BSNL 4G से। तो इस तरह से BSNL बहुत ही जल्दी जल्दी काम कर रहा है और इंडियन न्यू टेलीकॉम मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि BSNL के ऊपर उन्होंने ऐसा दबाव डाला है, BSNL एम्प्लॉयज के ऊपर ऐसा दबाव डाला है कि वो लोग काम करने में मजबूर हो चुका है। बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है। एक महीने पहले 10,000 संख्या जो था टावर का वो 25,000 से भी ज्यादा हो चुका है। और हे मतलब आप मान के चलिए कि एक हफ्ते के अंदर ही ये टावर जो लग रहा है ना, इसका जो संख्या है ये और भी ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर ऐसा न्यूज आ रहा है। ये अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर सुबह के 11 बजे मैं आप सभी के लिए BSNL रिलेटेड, BSNL 4G, BSNL 5G, BSNL एम्प्लॉयज, BSNL रिलेटेड कुछ भी अगर अपडेट आएगा तो सबसे पहले मैं ही आपको बताऊंगा। BSNL 4G अगर कहीं पर भी लॉन्च होगा तो उसका न्यूज तो सबसे पहले मैं ही बताता हूँ। तो इसीलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हर सुबह के 11 बजे यहाँ पर BSNL रिलेटेड अपडेट न्यूज आप सभी को देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, वीडियो के नीचे आप आपका कमेंट जरूर कर सकते हैं, आपका राय जो है इस वीडियो के बारे में कमेंट में बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे पास रह जाइए, मेरे पास जुड़ के रहिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।